नमस्कार, आज खबर को स्वागत करुच्ची पूजा। संपूर्ण खबर देखा करू आसन्तु देखिबा कौन होची आज हेडलाइंस। विधानसभा खणि दुर्नीति प्रसंग उठाइले विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक, कहिले लीज्रे होइछि दुर्नीति, केन्द्र और सुप्रीमकोर्ट नियम अनुजाई एहा होइथिबा दर्शाइला शासक दल। सेपटे नरसिंह मिश्र कहिले नौटी खणिर होइछि 3600 कोटी टंका क्षति। पुणि जम्मू काश्मीर पुलवामारे आतंकवादी आक्रमण, आतंकी गुड़े प्राण हरैले 2 भारतीय और 5 आहत, हॉस्पिटल भर्ती। राज्य में पुणि लज्जा, केन्दुझर बलाणी में नाबालिका को दुष्कर्म सह तंती चिपी हत्या उद्यम, दोषी को दंड देवा सह पीड़िता को न्याय आसरे थानार द्वारस्थ हेले परिवार लोके। खोर्धा जिला सदर मुख्य चिकित्सालय को प्रवेश कले दुईटी दंताहाती, चक्षु विभाग निकटे बुलाबुली करबा देखि वन विभाग और पुलिस को खबर देले स्वास्थ्यकर्मी। रक्त को नहीं चली बेपार, मयूरभंज जिला उदला मुख्य चिकित्सालय में बेपार चली नहीं आसला अभियोग। आज विधानसभा खणि दुर्नीति प्रसंग को नहीं विरोधी और शासक दल मुहांमु होते, खणि लीज प्रदान और नवीकरण में व्यापक दुर्नीति होती विरोधी दल नेता अभियोग आ सरकार बर्षि बेले केन्द्र और सुप्रीमकोर्ट नियम अनुजाई यह होता शासक दल दर्शाई। आज विधानसभा गृह कार्य आरंभ होगा मात्रे विरोधी दल नेता प्रदीप्त राय खणि दुर्नीति प्रसंग उठाई खणि माफिया ऑफिसर माने मिसी लक्ष लक्ष टंका लुटी नौथिबा अभियोग करथिले। से कहिथिले जे खणि लीज्रे बड़ धरणर दुर्नीति होईछि, तेणु सरकार मुष्टिमय ऑफिसर विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करंतु। ए संक्रांत में चिठी लिखिले मुख्यमंत्री दफ्तर प्राप्ति पत्र आसुनथिबा श्री नायक अभियोग करथिले। विजिलेंस मामला होता सिराजुद्दीन कंपनी को किभली लीज मिलला बोली विरोधी दल नेता प्रश्न करने सहित रुंगटा माइन्स नाँ एमएमडीआर आक्ट अनुजाई मामला रही दर्शाई, तेणु एम खणि किभली नवीकरण करागला बोली से प्रश्न करते। जो अधिकारी मैंने विरोध में कड़ा कार्यानुषानी श्री नायक दावी करते। कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र नौटी खणि में 3600 कोटी टंकार क्षति होती। अन्य पक्षरे विरोधी अभियोगर जवाब दे गृह बाहर बीजेडी सांसद प्रताप देव कहते केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन अनुजाई खणि लिस्ट नवीकरण ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। सीआरपीएफ जवान आतंकवादी आक्रमण, जम्मू काश्मीर पुलवामा जिले में आतंकवादी मैंने आक्रमण करता बेले 2 जन जवान शहीद होती और 5 जन आहत होती। जम्मू काश्मीर पुलवामा जिले में सीआरपीएफ 110 बटालियन जवान आतंकवादी मैंने आक्रमण कर एथिरे 2 जन जवान शहीद होगा सहित 5 जन आहत होती। चिकित्सा लगे आहत को बेस हॉस्पिटल भर्ती कर पंपर तंगन बाईपास निकटस्थ कांधी जल पोल उपर सीआरपीएफ और जम्मू काश्मीर पुलिस बाइन रोड ओपनिंग ड्यूटी थे। समय से आतंकवादी मैंने आखि बुजा गुड़माड़ करते। गुड़माड़ कर आतंकवादी मैंने फेरार हो काश्मीर जोन पुलिस पक्षर् कही अंचल को घेराबंदी कर सर्च अपरेसन जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। केन्दुझर बलाणी में लज्जा, जड़े नाबालिका को दुष्कर्म करने तंटी चिपी हत्या उद्यम कले दुष्कर्मकारी। राज्य में पुणी लज्जा, दुष्कर्म शिकार होती जड़े नाबालिका। केन्दुझर जिला उपांत खणी अंचल बलाणी में घटी एभली अभावनीय घटना। बलाणी थाना अंतर्गत खणी टाउनशिप संध्या समय बसस्टाण भली जनगहलपूर्ण रास्तार एक नाबालिका को जोर जबरदस्ती घोषाड़ी नहीं दुष्कर्म करने सहित तंटी चिपी हत्या उद्यम अभियोग अनुसार रविवार संध्या प्राय 6:30 समय बलाणी बसस्टाण निकटस्थ हंटिंग्रु जड़े 10 वर्षिया नाबालिका पाखे एक जलखिया दोकान जलखिया ने आसीता बेले बलाणी अंचल प्रताप पृष्टि ओरफ धलिया नामक युवक निशाशक्त अवस्थार जोर जबरदस्त बसस्टाण पछपाख एक अंधारिय स्थान को नहीं निस्तुक माड़ मार सहित जीवन मारिदे धमक दे दुष्कर्म कर नाबालिकाटी पार्टी करिबारु अभियुक्त तार तंटी चिपी हत्या उद्यम करसफल होवु सेठारु दौड़ी पड़ा परे नाबालिका घरे पहुंची घटना संबंध में घर लोक को कहिबा परे घर लोक उक्त युवक को खोजाखोजी कर थाना रे जिमा देथिले। एने घर लोक बलाणी थाना रे लिखित एतला देबा परे बलाणी पुलिस विभिन्न दफा एवं पस्को आक्ट रे अभियुक्त को गिरफ करिछि। बडबिलु एमडी नाजिम को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। खोर्धा जिला सहर मुख्य चिकित्सालय परिसर को 2 दंता हाथी प्रवेश करछंती, फलरे चिकित्सालय परिसर रे हाथी बुलुथबा देखी स्वास्थ्य कर्मी माने आतंकित अवस्था रे रहिछंती। आज खोर्धा जिला सदर मुख्य चिकित्सालय परिसर को 2 दंता हाथी प्रवेश करी चक्षु विभाग निकट रे थिबा जंगलिया स्थान रे रहिबा सह डाक्टर नर्स
स्टाफ क्वार्टर निकट में हाथी बुलुते तेज यह देखी भय समस्त मेडिकल स्टाफ पुलिस और वन विभाग को खबर देते तेज खबर पाई पुलिस और वन विभाग कर्मचारी घटनास्थल में पहुंची हाथी घोड़ा उद्यम आरंभ कर खोर्धारु सुधीर कुमार बेहरा रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। रक्तदान महापुण्यर सबुठी नारा देउथवा बेले उद्दला मुख्य डाक्तरखानार रक्त भंडाररे चालीछि रक्त बेपार। एभली सांघातिक अभियोग आसीछि मयूरभंज जिला उद्दला मुख्य डाक्तरखाना रक्त भंडाररु। कोरोना भली महामारी समय रे चालीछि रक्त बेपार। तबे रक्त बेपार होउथिबार सांघातिक अभियोग आनिछंती जणे रोगीको नाते राजकिशोर मुर्मु। तांको कहिबा अनुजाई गतकाल राति रे तांको आई सालगे मुर्मु को हिमोग्लोबिन कमिजिबारु तांको ए पॉजिटिव रक्तर आवश्यकता पडितिला। से बाबदे रक्त भंडार बुझिबारु ए पॉजिटिव रक्त नथिबारु जानिबाकु पाइथिले। यापरे सेठारे कार्यरत जणे स्वीपर कर्मचारी प्रदीप कुमार बेहरा तांकु रक्त जोगाड करदिबार प्रतिश्रुति देथिले एवं 1500 टंका नेबार भिडियो मध्ये हस्तगत होईछि। आहुरि दुईथर नेले समुदाय 4000 टंकार डील मध्ये करूछि। प्रदीप बेहरा को ए बाबदे पचारिबारु से टंका लेइनहांति बोली प्रतिक्रिया रे देइछंति। आम प्रतिनिधि रक्त भंडार मुख्यक प्रतिक्रिया नेबाकु चाहिथिले मात्र से प्रतिक्रिया देबाकु मना कर दिथिले। ए घटनार एक उच्चस्तरीय तदंत होई दोषी उपरे उचित कार्यनुष्ठान नियाजौ एवं ता सह आउ किए संप्रुक्ति अछंती ता खोजी बाहर करजौ बोली साधारण रे दाबी होछि। आइमांकु गतकाल हस्पिटाल नहीं आसते हिमोग्लोबिन कम थी तो ब्लड दरकार होता जिते बड़े ये ब्लड बैंक देखा कला कहले कि ए पजिट दरकार होता तो देखा कला कहले ए पजिट तो आम पाखे ना आपंकर जदि किए अच्छे से सहित कंटाक्ट करके जन तो सही से दिया तो कल आम कंटाक्ट करने को ट्राए कलु तो आम कहीं नाथे जहाँ कल दिखाई पार्लानी दे आज पुणी से ब्लड बैंक आसिक आउ थे मुझे निजे देखा करें कहे ना ना ए पजिट ब्लड ना तो जब आप किए जब भी अच्छा जनाते थ्रू दि हम शुणु सी मत घर खाऊली सी मत फोन करके कहले कहले कह मुझी कालिकापाई गोटे ब्लड आपड़ एक्सचेज कर मैंने गोटे ने बदल करके गोटे लोक ठीक कर से कहला गोटे आप गोटे लोक मत ठीक कर दिखाई फोन मारली। फोन मारला पर सी कहला कहला आसंता का ब्लडटा दे कहली कत पैसा नबू खर्च पा सी कहला मत खर्च पा सारे आप लोक सागर डायरेक्ट कथा भणजा सागर सी कहला कहला उदल सत्यवान नायक रिपोर्ट डी टीवी ओडिया। कार दुर्घटना रे साइकिल आरोही गुरुतर। एभली एक घटना सुंदरगढ़ जिला बणाई थाना निकटस्थ मुख्य रास्ता कचेरी छकटे देखा मिली। सुंदरगढ़ जिला बणाई थाना निकटस्थ मुख्य रास्ता कचेरी छक निकटे मर्मंतुत सड़क दुर्घटना। जड़े नूतन कार चालक साइकिल आरोही को धक्का देव साइकिल आरोही कार भितर पशि किसी बाट चली जावापर स्थानीय लोके कार तलु साइकिल आरोही जन को गुरुतर भाव उद्धार करते यापर तांकु बणाई उपखंड डाक्तरखाना को चिकित्सा पठाई थी जमापड़ तेज घटना विषय खबर पाई बणाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची गाड़ी को जबत कर ड्राइवर को अटक रखी पचराउचरा करुवा जमापड़। सुंदरगढ़ सुनील कुमार पंडा रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। वर्तमान राज्य में जारी रही लघुचाप जनित वर्षा जहाँफल खोर्धा जिला बाणपुर एनएससी दुई नंबर वार्ड रास्तार एक विशालकाय कृत्रिम पुष्करणी सृष्टि होती तेबे एने कार्यनिर्वाही अधिकारी को बारंबार जनाइथिले मध्य से ग्रामवासी अभियोग को बेखातिर करुथिबारु बाणपुर एनएससी दुई नंबर वार्ड कपिलेश्वर ग्राम रे देखा देछि तीव्र जनअसंतोष। ए होची खोर्धा जिला बाणपुर एनएससी दुई नंबर वार्ड रो विकास रो नग्न चित्र जहाँ बे सामना पसिछि। दुई नंबर वार्ड कपिलेश्वरपुर साही एक गुरुत्वपूर्ण अंचल। ए अंचल दे प्रतिदिन शह शह लोक मैंने कपिलेश्वर मंदिर सतसंग विहार पाटपुर गोपालपुर कोटपुर पल्टन पड़िया आदि अंचल को जाते बर्तमान प्रबल वर्षा जो प्रवेश पथर सृष्टि एक विशाल कृत्रिम पुष्करणी जहां एनएससी विकास नग्न चित्र को पदार पकई दुई नंबर वार्ड प्रवेश पथर पखापाखि 200 मीटर रास्ता पाने से बुड़ी रही जहाँफल ग्रामवासी मैंने ना नसुविधार सम्मुखीन होती इटि पखापाखि 70 परिवार बसवास करते सामान्य वर्षा हेले मुख्य रास्तार पा जमि रही जहाँफल अनेक घर भितर जल प्रवेश कर विभिन्न रोग में ग्रामवासी मैंने आक्रांत होती तेज गतल जे व्यक्ति जादुकाछुपरी रोग से शिकार हो चिकित्सित होती तहार मूल कारण यही अपरिष्कार जल बोली जमापड़ी कार्यनिर्वाही अधिकारी भूमिका को नहीं सन्देह सृष्टि
तेबे कार्यनिर्वाही अधिकारी तीले हेले खातिर करुनांति एसबकु गत सेप्टेम्बर 3 तारिख दिन ग्रामवासी अनुरूप भाव वर्षा हो जल जमिबारु ग्रामवासी माने कार्यनिर्वाही अधिकारी को अभियोग करथिले एपरिकी तांको कार्यालय सम्मुखरे धारणा देबा पई चेतावनी देथिले बे परिस्थिति बिगिडबारु अधिकारी सेप्टेम्बर 5 तारिख अपराह्न रे लोक देखाणिया भाव मापचुप पई जंत्रपाति धरी अंचल प्रदर्शन करि पळाइथिले तेबे आजको एक मास बीती जाइथिले मंद एनएससी प्रशासन इंचेटेबी मध्य काम करिनाही एपरिकी प्राथमिक भाव अस्थायी रूप से अति कम रे माटी पकाई उक्त खाल अंचल को मध्य पोति पारिनाही शेषे बाध्य हो गतर ग्रामवासी माने निज हाथ चांदा आदाय कर मटर लगाई अपरिष्कार जल को निष्कासित करते तेरे क्या बल में बलियान कार्यनिर्वाही अधिकारी जनक जनसाधारण अभियोग स्वर को करोना आलें कंठरोध करने को चाहती बर्तमान सन्देह घर जदि आगामी दुई दिन मध्य प्राथमिक पर्यायर यार अस्थायी समाधान न हुए तेरे बाध्य बाणपुर एनएससी कार्यालय घेराव कर चेतावनी देते ग्रामवासी बहुत दिन है जमिकी रोज से आसते आम सेप्टेम्बर 5 ना 7 आसते आसिक देखिगले आम एजुड अफिसर आसते एजुड अफिसर आसते कहे मुझे ये देखिए जाऊँ आप ड्रेन करदेवि ये करदेवि सी करदेवि कहीं सब करपजुप कर पड़े कि बर्तन एपर्दे कार देखा ना खोर्धार सुधीर कुमार बेहरा रिपोर्ट डीटीवी ओडिया मंदिर जगह और पाचेरी को नहीं नवरंगपुर जिला धोड्रा बड़ भीमागुड़ा ग्राम से गोष्ठी संघर्ष दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष होगा फल आठ जन आहत होती तेज से तीन जन अवस्था गुरुतर थे स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर भीमगुड़ा ग्रामर मदन हरिजन किछि वर्ष तले सुनाधर हरिजन नामक जने व्यक्ति को रहिबा पई किछि जागा दिथिले सुनाधर सेठरे रही आसुथिले दुई मास पूर्वरु मदन को मृत्यु घटिथिला मदन रहुतुबा जागा को लागि गोटिए मंदिर जागा रहिछि जहार देखारखा मदन करथिले मदन को मृत्यु परे मदन को विधवा पत्नी पार्वती हरिजन पुओ जदु हरिजन और झी बासंती हरिजन सेठरे रहुथिले मदन को मृत्यु परे सुनाधर मदन को परिवार रहुतुबा जागा सह मंदिर जागा को जबरदखल करबाकु चेष्टा करने मदन पर सदस्य को मारपीट करने को धमक दे आसते मदन पर सपक्ष कर ग्रामर किसी व्यक्ति सनधर सह आपोस बुझाणा करने को जाते कि समाधान हो पार सनधर प्रथम आसी उमरकोट थाना एतला और मदन स्त्री याचेरी को भांगी पाचेरी भांगा पर मदन विधवा स्त्री सपक्ष में किसी ग्रामवासी बाहरी से आलोचना कर बुझाणा करने को सनधर घर को जाते समय सनधर और तक चारिपुआ समेत किसी लोक हटा ठेगा और टांगिया थरी मदन पर बुझाणा करने को समस्त संघबद्ध भाव आक्रमण करते फल आठ जन आहत होता बेले से तीन जन अवस्था गुरुतर थे उमरकोट गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करे घटना को नहीं उमरकोट थाना में मामला रुजुत सूचना मिलता बेले पुलिस पक्ष कौन प्रतिक्रिया मिल पारिना से जगह ना कि गोटे बाउंड्री कर बाउंड्री करवाई ना कि एटा मोर ना कि मोर मोर जगह एंती सेंती बोल नहीं कि से हमको टांगिया कड़की तार सनाधर हरिजन आउ ता पुओ चैतु हरिजन मंगलू हरिजन आउ कमलू हरिजन बलराम हरिजन बर्तमान माट बाजवाल तो मेडिकल भर्ती अच्छा आउ बहुत आघात मड़ी जदु हरिजन को तो पूरा टांगी टांगी मारदे आउ मु सीटर रिप्रेजेंट जिला रिप्रेजेंटेटिव अच्छे जिला परिषद रिप्रेजेंट मत भी मैड होती ठेगा वार्ड मेम्बर को मैड होती एक्स वार्ड मेम्बर को मैड होती आउ जे बासंती अर्जन अच्छे मैड होती प्राय लेडीज को 6-7 लेडीज को प्राय मैड होती नवरंगपुर संजीव जानी रिपोर्ट डीटीवी ओडिया बड़गढ़ जिला पद्मपुर उपखंड गाइसलेट समीर दिव्यांग संघ साजिला अन्य मानक पई उदाहरण प्रत्येक मुहूर्त में गरीब असहाय को साहाज्य करिथाए एही संघ एबे एही संघर समाजसेवी कीर्तन दास ग्रामर थिबा अनाथ झियो शिक्षा को निज झियो भावे ग्रहण करी अन्य मानक पई उदाहरण पलटिछंती पद्मपुर उपखंड गाइसलेट समीर दिव्यांग संघ प्रत्येक मुहूर्त में गरीबर दुख हेउ कि अनाथ पिलांक भविष्य दिव्यांग पिलांक अर्थराशि हो कि जड़े गरीब रोगीर चिकित्सा प्रत्येक क्षेत्र में साहाज्य हाथ बढ़ाए यह संघ जो संघ एवं निजर एक स्वतंत्र पर्याय सृष्टि तेज 4 अक्टोबर को समीर दिव्यांग संघ को 5 वर्ष पूरला उपलक्षे ट्रस्टर प्रतिष्ठाता श्री कीर्तन दास गनियापाली ग्राम से रुवा जड़े अनाथ कुमारी शिखा माझी को निज ट्रस्ट पक्ष झील रूपे ग्रहण करते शिखा माझीर निज गाँ हेउछि हलका दादर
दीर्घ वर्ष होब निज बापाम्मा हरई नानार मामू गहकी राउत घरे कामधाम करते तेज जितेबाद समाजसेवी कीर्तन दास ये खबर पाई से निज ट्रस्टर समस्त कर्मकर्ता डाक गनियापाली जा शिखा माझी को नुआ वस्त्र किसी टंका निज झी रूपे ग्रहण करते तार पढ़ा रहा मेडिकल खर्च बाहर पर्यंत समीर दिव्यांग संघ बुझे बोली प्रतिश्रुति गणमाध्यम को जनते जहां चर्चार विषय पलटि लॉकडाउन समय रे गत एप्रिल एक तारीख आम गनियापाली शुकला खाद्य बंटन करते झीर घर के तार माँ बापा किए नहीं तार नाना पीसा घर से रोजे से दिन मुई गोटे आम समीर दिव्यांग संघ आ ट्रस्ट तरफ ताकि आम झी रख बोली मुझे प्रतिश्रुति आज आम तार प्रतिश्रुति आम पालन कलु आज झील के आम आमर कर रखल तर घर रहा आम ताकि आम घर नहीं रखू तार टोटाली तार मसकर खर्च जेत भी खाना पीनार तार पढ़ाशुना टोटाल खर्चा समीर दिव्यांग ट्रस्ट एवं संघ बहन करवा बरगड़ सुभाष चंद्र साहू को रिपोर्ट डी टीवी ओडिया। हाथरसरे होइतिबा गणदुष्कर्म मामला को नहीं पीड़िता को न्याय देबा दाबी रे विक्षोभ करा जिवा सह रैली मध्ये करा जाउछि। एने पुरी जिला कोणाकठरे एक मोहम्मती शोभायात्रा आरंभ होइ जाइछि। तबे एथिरे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कुश पुतलिका दाह करा जाइछि। कोणार्क एनएससी युव कांग्रेस सभापति स्वाधीन नायक नेतृत्व में कोणार्क समस्त काकटपुर निर्वाचन मंडल शताधिक कांग्रेस कर्मी एकाठी हो उत्तर प्रदेश दलित झीर गण बलात्कार घटना को नहीं उचित न्याय दाबी से कोणार्क बसंतारु एक शांतिपूर्ण मोहम्मती शोभायात्रा आरंभ कर कोणार्क बजार परिक्रमा पर मेडिकल छकटे पहुंची सेठे भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुश पुतलिका दाह करते। कार्यक्रम में विश्वजित स्वाई समेत कोणार्क एनएससी युव कांग्रेस सभापति स्वाधीन नायक पुरी जिला दलित संगठन संपादक प्रताप कांडी चंद्रकांत साहू पिनाकी प्रसन्न नायक रजनीकांत पंडा प्रमुख उक्त शोभायात्रा में जोगदे। तेज जदि दोषी मानू उचित दंड दि न जाए तेज आगामी दिन में सारा भारत में कंग्रेस दल तरफ आंदोलन करने को कोणार्क युव कंग्रेस आगधाड़ी नेता और सिमिली पंचायत समी सभ्य गोप्रु देवाशिष सेठी रिपोर्ट डी टीवी ओडिया। सांस्कृतिक चेतनार वार्ताबह थे विकास पुरुष तथा पूर्वतन मंत्री स्वर्गत मतलुवली दिने समाजसेवा करू करू राजनीति में पाद दे राज्य राजनीतिर शीर्ष को छुईवास महांगा निर्वाचन मंडल विकास सांस्कृतिक चेतनार वार्ताबले गतल स्वर्गत अली एकादश कटक जिला महांगा ब्लॉक खंदोलठारे स्वर्गत अली एकादश दिवस आयोजित स्मृति श्रद्धांजलि सभा में पंचायतराज आईन पानीयल और नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना जोगदे वक्तव्य करिसेंति। विशिष्ट साहित्यिक प्रोफेसर डॉक्टर विजयनंद सिंह पौरोहित्य आयोजित उत्सव में प्रोफेसर डॉक्टर संघमित्रा मिश्र स्वर्गत अली सुपुत्र मासूद अली प्रमुख जोगदे महान व्यक्ति जीवनदर्शी उपर आलोचना कर श्रद्धांजलि अर्पण करते। स्मृति सभा में ब्लॉक अध्यक्ष शरत नाय शोक प्रस्ताव आगत करने परे सभारे जोग देथिबा बौद्ध हिंदू मुस्लिम सिख साधु संत पंडित मैंने प्रार्थना गान करते। एने प्राक्तन महांगा ब्लक अध्यक्ष राजकिशोर जेना भिकारी स्वाई प्रभातकर समेत मतलु प्रेमी मैंने जोगदे श्रद्धांजलि अर्पण करते। अवसर में स्वर्गत अली विगत दिन स्मृति फटो को प्रदर्शन कर महांगा ओडिशा अनेक जहाँ अवदान रही शेख मतलु बोली आज आम को छाड़ी चली जाकर आम अंचल अवदान अविस्मरणीय से अवसर में आम समस्ते आज एकत्रित होलु एक प्रार्थना सभा रे एक श्रद्धांजलि सभा रे कि प्रार्थना करी अमर आत्मार सद्गति प्रार्थना करिया को। सालेपुर प्रफुल्ल मिश्र रिपोर्ट डी टीवी ओडिया। एबे नजर पकेबा किछि आंचलिक खबर उपरे कोलाहांडी जिला मदनपुर ठारे वेस्टर्न ओडिशा विद्युत श्रमिक कर्मचारी इंजीनियर्स एकता मंच तरफ बेस्को को घरोईकरण करने विरोध में आज मदनपुर सेक्शन अधीनस्थ समस्त कर्मचारी कला ब्याज पिंधि धारणा देखते आसंता सात दिन भितरे जदि राज्य सरकार बा ओईआरसी और विद्युत विभाग पक्षर कौन से निष्पत्ति निया जाए तबे आगामी दिन में आंदोलन आहुरी तीव्र हो लाइन मैन मदनपुर सेक्शन विद्युत विभाग कर्मचारी इंजीनियर्स एकता मंच पक्षर सरकार को कहुई। आज आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में सब डिविजन संपादक छवि कुमार साहू घरोईकरण नक नियम बदल सरकार तुरंत पदक्षेप ने अनुरोध कर धारणा लाइन मैन जगबंधु कटा बांछा बटरण सुशांत कुमार साहू
ଧନୀରାମ ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଏସ୍କୋକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ଏଇ କଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଧାନ କରିଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ହିରୋ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିମୟଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ କୁନି ହାତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ। ପିତା ଗୋପାଳ ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ବଗିଚା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବୃକ୍ଷ ନ କାଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁନି ବୟସରେ ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ବଣାଇ ଡିଏଫ୍ଓ ସନତ କୁମାର ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୁନି ଝିଅ ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କ ଏଭଳି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମାଜସେବୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମର୍ମାହତ ସହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଏକ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଞ୍ଚାନନ ସ୍ୱାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡିର ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନିର୍ଭୀକ ନେତା ତଥା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଡ଼ମଣିଙ୍କୁ ହରାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ହେଲେ ଆସି ନିମାପଡ଼ା କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ସେହିଭଳି ପରିଚିତ ହେଇକିରି ମହାରଥୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଥିଲା ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସଭା ସମିତି ଦଳୀୟ ହେଉ ବା ନିର୍ଦଳୀୟ ହେଉ ବା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଥୀ ଆସିବେ ଜାଣିଲା ପରେ ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ସମାଜ ଯେଉଁପରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଯେଉଁ ବାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବେନି। ଗୋପ୍ରୁ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେନାଲରୁ ଖସିଲା କାର, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନେମାଳ ଥାନା ନିକଟରେ। ନଗସପୁର ପୁନ୍ଦୁଳା କେନାଲର ଏକ ପୋଲ ନିକଟରେ କାରଟି କେନାଲ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିବା କାର ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନେମାଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ନେମାଳ ଗାଁର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆଜି କିଛି ଲୋକ କେନାଲ ପାଣିରୁ କାର୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ କେନାଲ ଭିତରକୁ କାର୍ ଖସିପଡ଼ିବା ପଛରେ ଖାଲି ଭାରସାମ୍ୟ ଅଛି ନା ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ଏହି ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଦିନ ଥିଲା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶୟନ ସଜ୍ଜାରେ। ଓପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସରୋଜ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଓପଦା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓପଦା ବ୍ଲକ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୈଥଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଓପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଓପଦା ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ସମ୍ପାଦକ ପରମେଶ୍ୱର କବି, ଆବାହକ ରଜନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଓପଦା ବଣିକ ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି
सरोजों स्मृति में शोकसभा पालन करते आज 11 तारीख पर्यंत सकाळ 6 अपराह्न 2 पर्यंत दुकान खोला रहिबो एवं अन्य समय रे दुकान बंद रहिबो बोली उपदा बणिक संघ उपदा थाना अधिकारी बीडीओ एवं तहसीलदार को लिखित भाव जनाई बंधु जन आज स्मरण करजार दिन 10 कतुरु संध्या पर्यंत बंद रहा प्लस आसंता काली अर्थात सोमवार सकाळ 7 दिन 2 पर्यंत बजार खुला रहिबो एवं 2 ठारू पुणी सकाळ 7 पर्यंत बजार बंद रहिबो। नीलगिरी गयाधर साहू को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। खबर शेष करिया पूर्व आसंतु नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। विधानसभा रे खणि दुर्नीति प्रसंग उठाइले विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक कहिले लीज रे होईछि दुर्नीति केन्द्र ओ सुप्रीम कोर्ट को नियम अनुजाई एहा होइतिबा दर्शाइला शासक दल। सेपटे नरसिंह मिश्र कहिले 9 खणि रे होईछि 3600 कोटी टंका रा क्षति। पुणि जम्मू काश्मीर पुलवामा रे आतंकवादी आक्रमण आतंकी गुळी रे प्राण हरैले 2 भारतीय ओ 5 आहत हॉस्पिटल रे भर्ती। राज्य में पुणि लज्जा केन्दुझर बलाणी में नाबालिका को दुष्कर्म सह तंती चिपी हत्या उद्यम दोषी को दंड देवा सह पीड़िता को न्याय आसरे थाना रा द्वारस्थ हेले परिवार लोके। खोर्धा जिला सदर मुख्य चिकित्सालय को प्रवेश कले 2 दंताहाती चक्षु विभाग निकट में बुलाबूली करिबा देखि वन विभाग और पुलिस को खबर देले स्वास्थ्यकर्मी। रक्त को नहीं चली बेपार मयूरभंज जिला उदला मुख्य चिकित्सालय में बेपार चलता नहीं आसला अभियोग। आज खबर को एठी रखुचु। नमस्कार। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करूँ एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दिंतु।